पर हम पहुंच चुके हैं रेल। सर कितने चालान काटे? कितना फाइन मारा आपको? 3,500। टिकट थी आपके पास? अच्छा आपको पूछा भी नहीं, आपने काला टीका लगाया ना माता रानी का, इसलिए नहीं पूछा आपको। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज का जो हमारा ब्लॉग शुरू होने वाला है वो सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी से होने वाला है। बाकी दोस्तों सामने रेलवे स्टेशन देख सकते हो जोधपुर का, एंड अभी मैं बैठा हूँ ढाबे में। सामने एक ढाबा है, यहाँ से मैंने स्पेशल थाली ऑर्डर करी है। तो ये हमारी स्पेशल थाली जिसमें देख सकते हो क्या क्या है, ये सलाद है और ये चावल दिए हैं, ये पिकल अचार और ये है दाल और ये है पनीर एंड ये है हमारा चना और अभी ये रोटी भी देंगे। तो ये हमारी स्पेशल थाली जो कि हमें पड़ी है 140 की। ये आगे हमारी तंदूरी रोटी घी लगा के बटर लगा के। तो सबसे पहले आपको पनीर टेस्ट करा के दिखाते हैं हम और तंदूरी रोटी के साथ, ठीक है। ये है हमारा पनीर का, क्या गजब का, बढ़िया भाई। अभी आपको चना ट्राई करके दिखाते हैं। ये आ गया हमारा चना, सभी करते हैं ट्राई। रख दो एक, रखना एक 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 एक। हाँ भाई सभी ट्राई करते हैं चावल और पनीर। स्पेशल थाली में क्या होता है, आपको भरपेट खाना मिलता है। तो दोस्तों ये अपनी सन सिटी जोधपुर और अभी अभी मैं खाना खा के आया हूँ। खाना खा के पूरा पेट भर गया एंड बहुत ही बढ़िया ढाबा था। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं जोधपुर जयपुर इंटरसिटी में, जो कि जोधपुर से चलकर मेहता रोड डेगाना फुलेरा के रास्ते जयपुर को जाती है। तो हमारी गाड़ी यहाँ से 4 बजे रवाना होगी। तो चलिए अभी 3 बजे हैं जोधपुर और यहाँ पे देखिए सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे पूरे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी लगी है इंटरसिटी। इस इंटरसिटी को अनदर नेम से भी जाना जाता है, जो अपनी हाई कोर्ट एक्सप्रेस भी बोलते हैं इसको, और इसका ट्रेन नंबर है 02477 और ये ट्रेन हर रोज़ शाम को 4 बजे जोधपुर से निकलती है। 310 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रात को 9:15 पे आपको जोधपुर पहुंचाती है। इस जर्नी को कंप्लीट करने में ये ट्रेन 5 घंटे और 15 मिनट लेती है। स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड होने वाली है और एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे की। ऐसा है कुछ इसका इंटीरियर सेकेंड सीटिंग का, ये देखिए साफ़ सफाई के मामले में एकदम बढ़िया है। और आज का अपना जो कोच है वो D10 है, चलते जाते हैं। LHP कोचेज लगे हुए हैं इसके साथ। ये क्या भाई, ये कैसे कोच आ गए? पीछे जो सीटिंग वाले थे एंड यहाँ पे मिक्स्ड आ गए, ये मिक्स्ड कर दिए इन्होंने, पता नहीं क्या कर दिया भाई। ये अपना D10, ये सी। चलो भाई रख लेते हैं अपना बैग यहाँ ऊपर। और हाँ जी नंबर, ये बाबा ने मारवाड़ी ड्रेस पहनी है, मारवाड़ी है हाँ मारवाड़ी। दोस्तों माई टेन से WDP-4B का सिंगल कैबिन वाला डीजल लोकोमोटिव जो कि इसको जयपुर तक पुल करेगा। क्या खतरनाक नॉइस है। 3 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है जोधपुर से। 3 मिनट लेट डिपार्ट किया है इसने जोधपुर जंक्शन से। देखिए सर कितने चालान काटे?
सिर्फ चलान काटने में खड़े थे। वाओ व्हाट ए नाइस साउंड। बाड़मेर ऋषिकेश जिससे मैं सुबह आया था बाड़मेर से जोधपुर तक, वो मैंने अपनी ट्रेन पहुंची है राई के बाग पैलेस में। दोस्तों जोधपुर से 83 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के दूसरे स्टॉपेज पे जो है अपना गोटन, और जो उसका पहला स्टॉप था वो लोकली था, वो मैंने आपको दिखा दिया बट उसको कवर नहीं किया। सो जो अपना गोटन है इसका स्टेशन कोड है GOTN। यात्री यहाँ पे डिवोर्ट कर चुके हैं, और दोस्तों छोटा सा रेलवे स्टेशन है अपना गोटन, दो प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है जो कि नॉर्थन वेस्टर्न में पड़ता है राजस्थान शहर के जोधपुर डिवीज़न में। और जो अपना गोटन है यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, मतलब फेमस यही फैक्ट्रीज़ के लिए है, टाटा बिरला की हो गई, JK की हो गई, यानी कि वाइट और ग्रीन सीमेंट बनता है यहाँ पे। वाह गजब का हॉर्न दिया अपनी ट्रेन ने, और ये यात्री थे वो गोटन में उतर चुके, काफ़ी ज़्यादा यात्री उतरे अपनी इंटरसिटी से। कितना ब्यूटीफुल पेड़ है यहाँ पे गोटन में, एंड ये पुराने टाइप के रेलवे स्टेशन कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अपनी ट्रेन बहुत ही लंबी है, बहुत ही लंबी। अब नज़र मार लेते हैं अपने इंटरसिटी के वॉशरूम पे, एंड यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। यहाँ पे डस्टबिन देखिए, किसी ने बीड़ी अंदर तक नहीं फेंकी है, और वॉश बेसिन क्लीन है। यहाँ सोप होल्डर बॉटल टैप रनिंग में है, बाकी मिरर देख सकते हो। एंड चलिए अंदर चलते हैं वॉशरूम। यहाँ पे भी आपको वॉश बेसिन क्लीन मिलेगा, पावर फ्लश बटन, यहाँ पे भी छोटा सा मिरर, और यहाँ पे लाइट। और दोस्तों वॉशरूम की कंडीशन की बात करो तो यात्रा अगर आप राजस्थान में करते हो तो आपको साफ सफाई बढ़िया मिलेगी एकदम, एंड ये वॉशरूम भी क्लीन है। दोस्तों 102 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, और हम पहुंच चुके हैं मेड़ता रोड में जिसका स्टेशन कोड है MTD, और यहां पे 2 मिनट का स्टॉपेज है अपने पूरे ऑन द टाइम, हमारी इंटरसिटी ने हमें यहां पे पहुंचाया है। दोस्तों मेड़ता एक सिटी का नाम है, एंड ये रोड से मेड़ता सिटी पास में ही है, और क्या आपको पता है 3 प्लेटफॉर्म्स का ये स्टेशन है, और जो इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन है ना वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है एंड थोड़े 1-2 सालों में पूरी हो जाएगी आगे तक। ये ऐसा कोई स्टेशन है, एंड अपना सूर्य अस्त हो रहा है, धीरे 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 ढल रहा है सूर्य यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने का। एंड यहाँ पे पकौड़े मिल रहे हैं, ये क्या है।
ये नहीं खाऊंगा। जंक्शन और ये जो लाइन गई है ये गई है अपनी अजमेर वाली। रेन स्टेशन कोड आ रही है और 2 मिनट का स्टॉपेज था। ये गांव में ये अपना दोस्त है, क्या नाम है? हाँ तो ये भाई जा रहे हैं लक्ष्मीपुरा। राजस्थानी में बोलना कुछ राम राम सा हुक्म बोल दो। हाँ राम राम सा हुक्म, राम राम सा हुक्म। हाँ ये राजस्थानी भाषा है। खाना खा लिया इसको कहते बोलने राजस्थानी। खाना खा लिया मारवाड़ी में बोलो। मैं खाना खा लियो। ये जो गाना है गजमन दामन ये कौन सी है उसमें है? ये हरियाणवी है। अच्छा अच्छा राजस्थानी गाना। राजस्थानी गाना मतलब पूरा मारवाड़ी नाचो ये अलग 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 होता है। जैसे जोधपुर की भाषा का अलग है इसे बोलते हैं मारवाड़ी। ये रेन में क्या प्रसिद्ध है? रेन में वर्षा है कोई फेमस नहीं है यहाँ। ये देखिए यात्री नीचे जाते हुए, ये क्यों जा रहे हैं ऐसे रास्ते रास्ते? काम है ना। तो भाई किसी को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो आप रेन से उतर कर कहाँ जाओगे? उडाटी धाम। उडाटी धाम वहाँ पे क्या है? मंदिर है। मंदिर है एक, उसका नाम महाराज का नाम है चतुर्राज। हाँ तो वहाँ पे आपको फ्री में रखेंगे, खाना पीना फ्री में देंगे। कितने दिन तक रह सकते हो आप? जब तक लगभग पैरालिसिस आदमी ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के 5वें स्टॉपेज पे जो अपना डेगाना जंक्शन और इसको टंगस्टन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि जो टंगस्टन होता है ना बल्ब के बीच में एक धातु होता है जो प्रकाश देता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलता है और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी रत्नागढ़ को जाती है। और भाई देखो ट्रेन ने बोलने भी नहीं दिया। चलिए देखते हैं डिपार्चर अपना डेगाना जंक्शन से स्टेशन कोड DNA। कितना फाइन मारा आपको? 350। टिकट थी आपके पास? टिकट होती तो फाइन थोड़ी मारता। 350 लिखा है ऊपर? 325 और 25 रुपये किराया। हाँ और 25 रुपये चाय के तो कोई दिक्कत नहीं बनाई ऊपर तो हाँ करता था। देख लो भाई टीटी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वॉशरूम भी चेक करते हैं। तो बिना टिकट वाले हो जाओ सावधान वरना आपकी भी बॉट लगने वाली है। 75 रुपये किराया था। ओ भाई उसका 75 रुपये किराया था और 350 रुपये फाइन मारा उसको। किसको? वो पीछे बंदे को मारा। आपको मारा फाइन? फाइन नहीं मारा आपको, बोला टिकट के लिए। बोला नहीं बोला आपको क्यों? अच्छा परेशानी में बच्चे भी है यार, परेशानी होगी आपको, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा है ना। अच्छा आपको पूछा भी नहीं, आपने काला टीका लगाया ना माता रानी का, इसलिए नहीं पूछा आपको। दर से आपको लेके खींचा लेकिन इसको नहीं देखो नहीं काम दे। हां भी ये लड़का है लड़की है? लड़की है। अच्छी है ये कुर्ता भी ले। हां हमारे पास था टिकट मार नहीं रहा था वो, हमने फिर स्क्रीन शॉट दिखाया उसको।
आपको पूछा भी नहीं है ना, मैं तो वही सोच रहा हूँ माता रानी का आशीर्वाद लेकर आए हो आपको। नहीं है भाई खुले कहाँ से रे, बोलना चाहिए देख ना पाँच खुले कहाँ से लेके। सांबर की मशहूर फेनी गच्छी बुरा, ये भी नया बनाया, ये रेलवे स्टेशन बनाया तभी हर बार टंगे है ना। हाँ अभी ये हुआ था, तो ये एक हफ्ते पहले ही तो आता इसका। तो कौन आया था यहाँ पे? ये रेलवे का मंत्री आया, आसपास के मंत्री आते हैं, जो जोधपुर से आया वो। अच्छा अच्छा, ये पुराना स्टेशन। बाय बाय। ए एड़ा ए ए वाला हाथ, ए वाला हाथ दूसरा मिला दिया गलत। ठीक है भाई, बाय। अपना दोस्त चला गया गच्छीपुरा में। दोस्तों 7:20 हो रहे हैं और ये लगी अपनी ट्रेन, और अभी हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के 7th स्टॉप पे, जो है अपना मकराना जंक्शन, और इसका स्टेशन कोड है MKN7। भाई 6:50 पे टाइम था लेकिन 7:20 पे आ रही है। और दोस्तों मकराना जाना जाता है यहाँ के मार्बल, मतलब कि यहाँ पे मार्बल की बड़ी बड़ी खाने हैं, और जितना भी राजस्थान का ऑलमोस्ट मार्बल निकलता है वो मकराना से ही निकलता है। यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉपेज था लेकिन 1 मिनट भी नहीं रुकी माई ट्रेन। लड़की को उतारो ध्यान से। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है नावा सिटी से। भाई जो नावा सिटी है ये हमारी ट्रेन का 9th स्टॉप था, 9वां, और यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकी, 30 सेकंड ट्रेन रुकी क्योंकि लेट चलती है हमारी ट्रेन। तो दोस्तों 255 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं, हम और हमारी हाई कोर्ट एक्सप्रेस यानी कि इंटरसिटी पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉपेज पे, जो अपना फुलेरा जंक्शन। जी हाँ, फुलेरा जंक्शन का स्टेशन कोड FL। और ये जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से अजमेर को जाती है और एक लाइन यहाँ से अपनी मकराना वाली है, और एक और लाइन यहाँ से जाती है अपनी इंगस जंक्शन को। हॉन्ग हो चुका है फुलेरा से, और यात्री मस्ती करने के लिए उतरे थे बट सारे के सारे बोर्ड कर चुके हैं। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:19:20 ही लगा लो, और हमारी इंटरसिटी ने हमें 5 मिनट डिले पहुंचाया है जयपुर जंक्शन पे। और जो अपना जयपुर है ये राजस्थान की कैपिटल है, और मैं देखो उल्टा किधर जा रहा हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। सो अभी हम आ चुके हैं जयपुर जंक्शन के बाहर, देखिए जयपुर, और यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, मतलब टिकट तक नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा यहाँ पे। सो ये थी दोस्तों हमारी आज की इंटरसिटी की जर्नी। ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे आपको सीधा एक नई जर्नी के साथ, और वो भी यहीं से होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे अगर ऐड नहीं किया तो यूज़र आईडी आपको पता ही है, ठीक है? तो बाय बाय।